शादी ब्याह शुरू होने वाले हैं, सोना कब खरीदें? सोना 35,000 से 40,000 का पाएगा। नए साल 2022 में सोने का भाव क्या रहेगा? सोना सस्ता होगा या फिर महंगा होगा? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे गोल्ड अपडेट यूट्यूब चैनल पर ही। सो गाइस, अगर आप भी सोना व चांदी में खरीदारी करने वाले हो या आने वाले दिनों में सोना व चांदी गहने बनवाने वाले हो तो इस वीडियो आपके लिए काम की रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में कितना फर्क होता है। 18 कैरेट के सोने में 75% सोना शुद्ध होता और है और 22 कैरेट के सोने में 91.70% सोना शुद्ध होता और है। 24 कैरेट के सोने में 99.9% सोना शुद्ध होता तो है। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा तो मैं है। आपको बता दूं, सोना कभी भी त्योहार या पर्व के समय में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय सोने का भाव बहुत ज्यादा होता और है इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हो तो तो सबसे पहले उस दुकान में चल रही सोने का भाव का ध्यान जरूर रखें, जिससे आप धोखाधड़ी से बच और जाओगे। हमारे इसी चैनल में रोजाना सोना व चांदी का ताजा भाव बताते हैं, जिससे आप सोना व चांदी का भाव जानकारी ले तो पाओगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सोना का 35,000 रुपया सस्ता और होगा। आने वाले नए सालों में सोने का भाव क्या रहेगा? एक्सपर्ट की माने तो जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं होता है, तब तक सोने के भाव में गिरावट नहीं और होगी। अभी देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है और डॉलर में गिरावट आई तो गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी।